हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पाँच बीज 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 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो ये पौधे कैसे उगते हैं? यस मैम, बीज से। शाबाश बेटा, चलो इन्हीं बीजों को जानते हैं। बच्चों, ये है गोपाल। कल इसके घर ना मेहमान आने वाले हैं और इसकी माँ ने इसे एक कटोरी चने भिगोने को कहा, मगर उसने सोचा इतने सारे लोगों का एक कटोरी चने से क्या होगा, तो उसने चार कटोरी चने भिगो दिए। और सुबह जब माँ ने देखा तो हैरान होकर गोपाल को बुलाया और वह चनों को देखकर सर पकड़कर बैठ गया। बाप रे, इतने सारे चने, आधे तो कटोरी से नीचे ही गिर गए थे। फिर माँ बोली, कोई बात नहीं, आधे चने मैं तुम्हारी बुआ के पास भिजवा देती हूँ। डॉक्टर ने उन्हें अंकुरित और पौष्टिक आहार खाने की सलाह दी है। फिर माँ ने भीगे हुए चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर टांग दिया। बच्चों, अब एक प्रयोग करके देखते हैं। आपको तीन कटोरी लेनी है। पहली कटोरी में आपने कुछ चने पानी में भिगो कर रखने हैं, दूसरी कटोरी में आपको चनों को गीले कपड़े में लपेट कर रखना है और तीसरी कटोरी में चनों को ऐसे ही छोड़ देना है। और दो दिन बाद आप सबको देखना है कि तीनों कटोरियों में रखे चनों में क्या क्या बदलाव आया और बदलाव को दी गई तालिका में भरना है। तो प्यारे बच्चों, अब आप सबको भी बीज से एक पौधा उगाना है और उसको एक प्यारा सा नाम देना है, जैसे कि मालती ने अपने तुलसी के पौधे को नाम दिया है पीकू। बच्चों, अब आप सब अंकुरण यानी जर्मिनेशन के बारे में जान गए होंगे कि अंकुरण के लिए सूरज की रोशनी, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कैसे एक छोटा सा बीज बड़े पौधे का रूप ले लेता है। पाठ में आगे अब हम शिकारी पौधे यानी कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि निपेंथिस। इसे पिचर प्लांट भी कहा जाता है। पिचर मतलब सुराही। यह पौधा सुराही की तरह दिखता है और इसमें चिपचिपा पदार्थ लगा होता है जिसमें कीड़े और मकोड़े आकर चिपक जाते हैं और इसमें फंसकर मर जाते हैं। तो चलो अब घुमक्कड़ बीज के बारे में पढ़ते हैं। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रेल अपने कुत्ते के साथ पार्क से घूमकर घर लौटे, तब उन्होंने पाया कि उनके कपड़ों पर कुछ बीज चिपके हुए हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर वह हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बीजों में छोटे छोटे हुक लगे थे जिनकी मदद से वे बीज कपड़े के रेशों में अटक गए थे। यह देखकर मैस्ट्रेल को आइडिया आया और उन्होंने वेलक्रो बनाया, जिसका इस्तेमाल जूते, बैग और कपड़ों आदि में किया जाता है। आपको पता है बच्चों, बीज किन किन तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं? हवा, पशु पक्षी, पानी और बीजों के चटकने के कारण। हवा में उड़कर हल्के बीज, गिलहरी जैसे जानवरों तथा पक्षियों द्वारा बीज भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। पानी में तैरकर कमल व नारियल के बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और फली आदि के बीज चिटक कर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। आओ बच्चों, अब एक कविता गुनगुनाते हैं। कौन कहां से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहां से आए जी, सात समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी, दक्षिण अमरीकी मिर्ची रानी, मसालों की है पट रानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, सात टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी, भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफी भी, नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर, चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी,
चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष, रोग जमा कर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी, बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, है भाई बहन ये सब देसी, भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। मजा आया आपको बच्चों? चलो अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। किसी भी एक बीज को खोलकर आपको उसका चित्र बनाना है, और कोई भी मिट्टी का गमला लो और उसे अच्छे से सजाओ। आप किन किन बीजों को अंकुरित कर सकते हैं? बीजों को अंकुरण के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? आपकी मदद के लिए आप ये चित्र देख सकते हैं, और यह कार्य आपको अपनी अध्यापिका को दिखाना है। तो बच्चों अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।